الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. पिछली एक लंबी आयत उसके अंदर यह अहकाम थे कि आदमी को कोई कर्ज का या उधार का मामला करना पड़े तो उस मामले को लिख दिया जाए, उसके दस्तावेज तैयार कर दिए जाए और उस पर गवाह भी बना लिए जाए ताकि बाद में कोई दुश्वारी ना हो, कोई झगड़ा ना हो। उसी ताल्लुक का एक मज़मून इस आयत के अंदर है कि आपने किसी से कर्ज लिया या उधार मामला किया लेकिन कोई लिखने वाला नहीं है, आप ऐसी जगह पर हैं, सफर में हैं या कोई ऐसा मौका है, कोई लिखने वाला नहीं है और सामने वाले पर एतमाद भी नहीं है, पता नहीं कि ये मेरे कर्ज को लौटा पाएगा या नहीं, क्या ये सामान जो उधार ले रहा है इसकी कीमत चुकाएगा। तो फिर इसके बारे में हुक्म है कि इसके बदले में कोई चीज गिरवी रख दो। आपको अगर उस पर एतमाद नहीं है, उसने सामान उधार लिया है तो जब तक वो कीमत अदा ना करे उस वक्त तक के लिए कोई चीज अपने पास गिरवी रख दी जाए और जब वो कीमत चुका दे तो वो गिरवी रखी चीज वापस लौटा दी जाए और जब तक वो चीज उसके पास रहेगी बतौर अमानत रहेगी और गिरवी रखी हुई चीज से नफा उठाना उसके लिए जायज ना होगा। सिर्फ उसका कीमत चुकाने तक का एक कब्जा रहेगा, नफा नहीं उठा सकता। लेकिन अगर आदमी को एतमाद है कि ये इसकी कीमत चुका देगा या कर्ज दे मेरे वापस चुका देगा तो फिर अगर वो कोई चीज गिरवी ना रखे और दस्तावेज वगैरह भी तैयार ना हो तो फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है कि आदमी अपने अल्लाह से जो डरता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है तो इसके साथ नहीं करेगा। तो फिर इस सूरत में उस चीज को गिरवी रखने की जरूरत नहीं। तीसरा हुक्म यहाँ पर यह है कि गवाह की बात आई कि चाहे मामला लिखा जा रहा हो या ना लिखा जा रहा हो लेकिन दो गवाह बना लिए जाए। इसी तरीके से मामला चाहे नकद हो तो उस पर दो गवाह बना लिए जाए, ये अच्छी चीज है ताकि बाद में जब कोई मुकदमा कोर्ट में चला जाए तो उस वक्त वहां पर ये गवाह की जरूरत पड़ेगी और जब इनको गवाही के लिए बुलाया जाए तो सही सही गवाही दे दी जाए। इसके अंदर यह हुक्म है कि अपनी गवाही को छुपाए नहीं, जो गवाही को छुपाएगा वो गुनाहगार होगा। गवाही देना उस पर वाजिब है कि जिस मामले में भी कोई भी आदमी गवाह बन गया बाद में गवाही की जरूरत पड़ी अब वो पीछे हट रहा है कि नहीं उसको उसकी गवाही देना सही सही जरूरी है, वाजिब है और छुपाना उसके लिए हराम है। और अगर तुम सफर में हो और ना पाओ कोई लिखने वाला तो गिरवी
करो हाथ में रखनी चाहिए कोई चीज। फिर अगर एतबार करे एक दूसरे का एतमाद है तो चाहिए कि पूरा अदा करे वो शख्स जिस पर एतमाद किया है अपनी अमानत। तो अब वो जो भी मामला तय हुआ था उधार लिया या कर्ज लिया जो तो उसको जो है पूरा पूरा अदा कर और डरता रहे अल्लाह से जो रब है उसका और मत छुपाओ गवाही को और जो शख्स उसको छुपाए तो बेशक उसका दिल गुनाहगार है। आदमी दिल ही के इरादे से दिल ही नहीं छुपाता है उसका दिल बेईमान बन जाता है सारी हरकतें वास्ते होती है इसलिए कहा उसका दिल गुनाहगार है। और अल्लाह तुम्हारे कामों को खूब जानता है। तो ये पिछली आयत का एक मज़मून है जो आया ना दिल में दिल गुनाहगार है तो इसकी कई किस्में हैं कि आदमी दिल के अंदर किसी गुनाह का इरादा करता है तो उस पर मुआवजा होगा या नहीं तो कई शक्लें हैं इसकी। एक तो ये है कि दिल के अंदर सिर्फ गैर इख्तियारी ख्यालात आदमी के दिल में आते रहते हैं आगे चले गए इसके अंदर कोई जमाव नहीं होता है कोई पुख्तगी नहीं होती है। तो ये जितने भी ख्यालात आने वाले हैं वो साबित इन पर कोई मुआफजा नहीं है। अकायद के बारे में गैर अकायद के बारे में इस तरह के ख्यालात आते हैं कुछ अहकाम वो है जिनका ताल्लुक जबान से है जैसे किसी गुलाम को आजाद करना बीवी को तलाक देना या तलाक रजी देने वाली औरत को अपने निकाह में वापस लेना। तो जब तक आदमी अपनी जबान से नहीं बोलेगा उस वक्त तक अहकाम उस पर लागू नहीं होंगे। दिल के अंदर बीवी को तलाक दे दिल के अंदर गुलाम को आजाद कर दे तो इससे यानी ये अहकाम नाफिज नहीं होंगे जबान से ही अदा करने पर। और कुछ अहकाम का ताल्लुक अफआल से है करने से कि वो काम करेगा तब जो हुक्म उस पर लागू होता है जैसे किसी को कत्ल करना या जिना करना या चोरी करना। तो एक तो आदमी के दिल में ख्याल आए मुझे चोरी करनी है मुझे कत्ल करना है किसी आदमी को मुझे जिना करना है लेकिन अमल नहीं हुआ भी। जब तक अमल ना हो उस वक्त तक वाफदा नहीं। लेकिन यहाँ एक दूसरी चीज ये है कि ये गुनाह और इन गुनाह के ऊपर दिल जम जाए बिल्कुल पुख्ता इरादा हो जाए लेकिन वो किसी रुकावट की वजह से ये गुनाह कर ना सके तो फिर उस दिल के अंदर जो पुख्ता इरादा हो चुका था उसका मुआवजा हो। मसलन दो आदमी गुस्से में आकर लड़ने लगे दोनों के हाथ में हथियार है और हथियार से लड़ रहे हैं तो एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया तो यहाँ पर दोनों गुनाहगार हैं और दोनों कातिल कहलाएंगे। जो मारा गया वो भी कातिल कहलाएगा और मारने वाला तो कातिल है तो जो मारा गया वो कातिल क्यों कहला रहा है इसलिए कि वो मारने ही के इरादे से आया था तो उसका पुख्ता इरादा और उसकी नीयत ये थी कि मैं अपना को जो है कत्ल कर दूं लेकिन वो कत्ल खुद हो गया कत्ल कर नहीं सका लेकिन उसका इरादा था ये रुकावट थी बस लेकिन उसके पुख्ते इरादे की बुनियाद पर वो भी गुनाह होगा। तो ऐसे जितने भी जो है गुनाह के काम है बीच में रुकावट आ जाए लेकिन पुख्ता इरादा हो जाए तो उस इरादे पर भी मुआवजा होगा।
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير अल्लाह ही का है जो कुछ के आसमानों और जमीन में है और अगर जाहिर करोगे अपनी जी की बात या छुपाओगे उसको हिसाब लेगा उसका हिसाब होगा उसका हिसाब लेगा तुमसे अल्लाह फिर बख्शेगा जिसको चाहे और अजाब करेगा जिसको चाहे और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो दिल के अंदर जो पुख्तगी के साथ तुम्हारा इरादा गुनाह का हो गया है उस पर मुआफजा है लेकिन अल्लाह जिसको चाहेंगे बख्शेंगे और जिसको चाहेंगे अजाब देंगे लेकिन वो अजाब का हो चुका है।